रीजन प्लोसियो और स्टॉप साउंड। तो ये प्लोसी स्टॉप साउंड का हमने बताया कि कैसे ये बनते हैं, इनका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है और ये वॉयस है कि वॉयसलेस है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस इसमें करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। ये मैं बता रहा हूँ कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये छह कॉन्सोनेंट साउंड है। ब और ब एक कैटेगरी का है, क और ग एक कैटेगरी का है, ट और ड एक कैटेगरी का है, क्योंकि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इसके अलग अलग है। ये बाइलिंगुअल साउंड है, दो होठों से में बोला जाता है। ये वेलर से बोला जाता है, बैक ऑफ द टंग टच टू द ग्लॉटिस, ऊपर टच करता है, का ग ऐसे करके। एंड देन ट और ड जो है ये एल्वेलर साउंड है, ये टीथ रीज से बनता है, जब दांत जो है टीथ रीज अपर टीथ रीज को ये छूती है, ट ट टिप ऑफ द टंग टचेस द टीथ रीज, ट ट टिप टिप ऑफ द टंग टचेस द टीथ रीज, ट ट ट ड। ये बता दिया हमने, ये बताया कि ये जो तीन साउंड होते हैं कौन प क ट, ये एस्पिरेटेड साउंड होते हैं, ये एस्पिरेटेड साउंड होंगे। तो जब हम इनको शुरू में बोलते हैं तो इन्हें आधा यश लगा होता है, जैसे फिज और थिन और थिन, ये तो ये एस्पिरेटेड साउंड है। प ठ ख फ ठ ख फ ठ ख, ये एस्पिरेटेड साउंड है। अब इसको अलग करने के लिए आप प्रैक्टिस करते हैं, पिन बिन टिन डिन किन जिन, तो ऐसे इसकी प्रैक्टिस होती है। और इसके जो जो इसका पोजीशन होता है, जैसे शुरू में बोला गया तो ये पिन फ बोला जाएगा पिन, लेकिन अगर इसमें यश लगे तो ये स्पिन होगा, ये प तक बोला जाएगा, इसमें यश नहीं लगेगा। और ये रन रहेगा तो ये फ्रिकेटिव साउंड मिला जाएगा, प्रे प्योर, इसको प्रैक्टिस करने से बनता है। यहाँ बिगनिंग है ये पी एस होगा, लेकिन समथिंग में पी एस नहीं होगा। और ये बिन है, ब बिन बॉब बाट ब्राइट, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, ब ब ब साउंड ब। और ये हाँ जी, ये गुड है, गुड गेम गुड गेम, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसे करके। कैच कैच अंकल, स्केल ब्लैकबर्ड ब्लैकबर्ड, ब आप इसको कीजिए। ये जैसे क है, ये कैप कैच, ये के का ही साउंड है, के का, जैसे खैप लिखा जाएगा, कैप लिखा होगा कैसे लिखिएगा, ये कैट, दिस इज अ कैट, तो कैट होगा, कैट होगा। और ये काइट का लिखना होगा, काइट में तो पता नहीं होता है, तो इसको भी आप बोलिएगा, ये बोला इनिशियल होगा तो बीबी सलंदन फिली स्पीक दिस इज अ काइट, बीबी सलंदन स्पीक इट्स इज टाइम टू गो टाइम, तो हाफ यस लगता है। तो ये अच्छे साउंड है, आप इसको याद कीजिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, प ब ट ड क ग प ब ट ड क ग प ब ट ड क ग, और इसको आप उच्चारण कीजिए। अब दूसरे साउंड पर आएंगे, उसको बोलेंगे नेजल साउंड, आज पढ़ाएंगे कल फ्रिकेटिव साउंड पढ़ाएंगे, नेजल साउंड और एक पढ़ा देंगे, इसके बाद कल पढ़ाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस।